आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने सिलाई कोर्स की और ये इस सिलाई कोर्स का पहला वीडियो है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें सिलाई सीखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें इन सब सामानों की ज़रूरत होती है। तो चलिए हर एक सामान के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा इंची टेप के बारे में, इसे आप फीता भी कहते हैं। आप इस पे कुछ नंबर लिखे हुए देख रहे हैं, इन नंबरों को हम इंच से पढ़ते हैं, एक इंच, दो इंच, तीन इंच, चार इंच, पाँच इंच। अगर मैं इसके बैक साइड में दिखाऊं आपको, ये पिंक वाला साइड आप देख रहे हैं, इस पे दो तरह से नंबर दिए हुए हैं। बड़े वाले नंबर को इंच से पढ़ते हैं, एक इंच, दो इंच, तीन इंच, चार इंच। और ये छोटे वाला जो नंबर है, दो, तीन, चार, पाँच, ये सेंटीमीटर से पढ़ा जाता है। एक सेंटीमीटर यहाँ पर दबा हुआ है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैंची। आप देख पा रहे हैं, इस टाइम मार्केट में कैंची बहुत डिफरेंट शेप की आती है और बहुत तरह तरह की आती है। आप हल्के वाली भी कैंची यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि घर में इतना यूज़ नहीं होता कैंची का, तो हल्के वाली भी कैंची यूज़ की जा सकती है। इसके बाद मैं बात करूँगा चौक की। जैसे आप देख रहे हैं, जब हम कपड़े पर ड्राइंग करते हैं या निशान लगाते हैं तो हमें चौक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पेन और पेंसिल से ड्राइंग नहीं की जाती कपड़े पर। और ये धागा है, ये सुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सुई किस लिए है। सिलाई कोर्स में तुरपाई भी सिखाई जाती है, इसलिए सुई का यूज होता है। तो आप सुई भी अपने पास रखें, इसे मैं हटा देता हूं। सिलाई कोर्स में प्रैक्टिकल कॉपी भी बनवाई जाती है। प्रैक्टिकल कॉपी इसलिए बनवाई जाती है ताकि आप जो भी ड्रेस बनाएंगे उस ड्रेस की एक ड्राइंग और उसका नाप अपनी कॉपी में लिख सकें। जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे तो ये जो आपका खाली पेज है और ये लाइनिंग वाला पेज है, खाली पेज पे हमेशा ड्राइंग बनाई जाएगी और लाइनिंग वाले पेज में उस ड्रेस के बारे में लिखा जाएगा जो ड्रेस आप बना रहे हैं। ये स्केल जो स्कूल में यूज़ किया जाता है, ये ड्राइंग बनाने के काम आता है। पेंसिल, ये भी ड्राइंग के काम आती है। और ये पेन, ये लिखने के भी काम आता है। और सबसे लास्ट में ये न्यूज़पेपर। अब आप सोच रहे होंगे कि इस न्यूज़पेपर का क्या काम है। सिलाई कोर्स के स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है। स्टार्टिंग में हम डायरेक्ट कपड़ा ना काटकर न्यूज़पेपर पे काटना सिखाते हैं, ताकि अगर गलती हो भी जाए तो न्यूज़पेपर खराब हो जाए, कपड़ा खराब ना हो। जब तक हम छोटे बच्चों की ड्रेस बनाते हैं, जैसे बिब, बेबी पैंटी और आइटम जो हम बनाते हैं छोटे बच्चों का, वो न्यूज़पेपर पर ही काटते हैं। उससे हम काटना भी सीख जाते हैं और हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता चला जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बिब की कटिंग करेंगे।